जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट सोर्सिंग, डेट्स आर सेकेंड टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। और उसमें हम बात कर रहे थे कि जब हमने प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेनी होती है ना, तो उसके बाद हमने उसकी सोर्सिंग करवानी होती है। तो सोर्सिंग के लिए बेस्ट एवर वेबसाइट मैंने जैसे कि बताया, और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन बेस्ट एवर वेबसाइट है चाइना में Alibaba.com। Alibaba.com को हम क्यों चूज़ करते हैं उसकी ब्रांड, मैंने यही रीज़न बताई कि यहाँ पर हम स्कैमिंग से बच सकते हैं, क्योंकि अलीबाबा फर्स्टली पेमेंट अपने पास रखता है, फिर जब हमसे कंफर्मेशन कर लेता है कि आपको प्रोडक्ट ओके मिल गई है, फिर उसके बाद जो है पेमेंट बैक की जाती है सप्लायर की तरफ। एनी हाउ, उसमें सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया भी मैंने बताया था कि सप्लायर को चूज़ करते हुए हमने इन इन क्राइटेरिया को फॉलो करना है। उनके पास 3 जैम्स हैं, 80% रिस्पॉन्स रेट, ट्रांजेक्शन उनकी इतनी हुई पड़ी है, सारी चीज़ें हमने ओके करके फिर मूव ऑन करना है। अच्छा, सप्लायर को सोर्सिंग स्टेज में क्या कहेंगे आप, किस तरह से निगोसिएशन करेंगे, ये चीज़ें हम देखते हैं। आपने उनको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हम आपकी फैक्ट्री को हम 2 से 3 दफ़ा पहले विज़िट कर चुके हैं, बट जहाँ तक हमने देखा है ना कि आप में क्वालिटी इशू हमने देखा है, तो देखिए क्वालिटी पे हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपके पास हमने प्रोडक्ट देखी है उनमें क्वालिटी इशू आ रहा है, तो क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर तो वो ट्रस्ट वर्थी सप्लायर, मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसे होता है कि जो सप्लायर है ना वो ट्रस्टवर्थी होते हैं, मान जाते हैं कि ठीक है, मतलब अगर उनकी प्रोडक्ट में वाकई कोई इशू हो ना तो वो मान जाते हैं। एनी हाउ, उसमें फिर ये है कि आपको समझ आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी इशू है। और इसमें ये है कि अगर वो जल्दी पेमेंट भी जल्दी कर रहा है, तो उसमें इनके वहाँ से भी आप उसको जज कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू भी कन्फर्मेशन कर सकते हैं। और सप्लायर अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो इट्स मीन कि आप समझ लें कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरर तो है ना जिसने अपनी प्रोडक्ट खुद बनाई होती है, तो इट्स मीन कि फिर उसने अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाई, वो किसी की प्रोडक्ट बनी बनाई जो है ना वो आगे सेल आउट कर रहा है। तो रेकमेंड यही होता है कि मैन्युफैक्चरर हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है ना वो जाहिर सी बात है खुद प्रोडक्ट बना रहा है, वो आपको प्राइस भी अच्छी दे सकता है और कंप्लीट गाइडलाइन भी देगा प्रोडक्ट के बारे में। आपने क्या करना है कि 10 सप्लायर से बात करनी है, जिनमें से आपने 10 रेकमेंड वैसे ये है कि 10 से 15 से 20 सप्लायर से बात करें, उनमें से फिर फाइनल करें 3 फाइनल करके आपने फिर उनमें से जो है ना तीनों का सैंपल मंगवाना होता है, और सैंपल की बेस पे हमने एक सप्लायर को चूज़ करके फिर थ्रू आउट उसी से हमने सोर्सिंग करनी होती है। तो इसमें क्या है कि पेमेंट जो है वो 30% स्टार्टिंग पे होती है, और 70% आपने बाद में पेमेंट करनी होती है जब आपकी प्रोडक्ट ओके हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है जिस सप्लायर से आप बात कर रहे हैं ना वो रेलिवेंट हो, यानी आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो, आपकी प्रोडक्ट यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो बना ही नहीं रहा आइसक्रीम स्कूप, आपकी प्रोडक्ट है वो बना ही नहीं रहा, इट्स मीन कि कोई फ़ायदा नहीं फिर उससे बात करने का। और फिर उस ड्यूरेशन के दौरान आपने क्या करना है, ब्रांड का नेम फाइनलाइज करना है, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, और इसके अलावा प्रोडक्ट, क्योंकि आप ब्रांड बिल्डिंग जा रहे होते हैं ना, आपका खुद का ब्रांड आप लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने उसका प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगवाना है, डिज़ाइनिंग करवानी है, किसी फोटोग्राफर को हायर करके आपने उसकी फ़ोटोग्राफी करवानी है, और इसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, ब्रांड का नेम सेलेक्ट करना है, और ये लोगो जो है वो डेफिनेटली आपने लगवाना है। तो रेकमेंड यही है कि 2 कलर का लोगो हो ताकि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो आपके लिए। एनी हाउ, ये सारी चीज़ें आपने पहले ही मेक श्योर कर लेनी है ताकि जब आप सोर्सिंग करें तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको आपकी रेडी हों। देन आपने क्या करना है कि फ्रेट फॉरवर्डर का मतलब ये है कि जिसने आपकी प्रोडक्ट पकड़ के चाइना से पकड़ के यूके या यूएसए जहाँ का भी क्लाइंट का अकाउंट है वहाँ तक पहुँचानी है, इट्स मीनिंग के जो शिपमेंट करवा रहा है वो उसको हम फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं। फिर आपने फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ मूव ऑन करना है, और फाइनल शिपिंग रेट जो है इनसे फाइनल करना है जिनसे आप बात कर रहे होंगे। एनी हाउ, इसमें ना 3 तरह की शिपमेंट आ जाती है, EXW, FOB एंड DDP। EXW का मतलब होता है एक्स वर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सप्लायर ने सिर्फ आपकी प्रोडक्ट बनवानी है, बनानी है सिर्फ उसने,
आपकी इन्वेंट्री जो है आपने खुद उससे पकड़ के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचानी है। अब वो डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है, आप फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करेंगे ना। एफओबी का मतलब होता है कि एक पोर्ट या बंदरगाह सेलेक्ट कर ली जाती है, सप्लायर कहता है मैं प्रोडक्ट बना भी दूंगा और उस पोर्ट तक पहुंचा दूंगा, आगे उस पोर्ट से ऑनवर्ड अमेजोन के वेयर हाउस तक आपने पहुंचानी है। तो सप्लायर के नज़दीक कोई बंदरगाह होगी ना, सप्लायर वहाँ तक तो प्रोडक्ट पहुँचा देगा, आगे आपने खुद जो है ना वहाँ से पकड़ के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचानी है। DDP का मतलब होता है सप्लायर ने खुद प्रोडक्ट बनाई है और खुद ही अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचाएगा। तो रेकमेंड यही होता है कि हम DDP करें, डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी कि क्योंकि देखिए अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है रास्ते में, शिपमेंट के दौरान कोई मसला आ जाता है, तो वहाँ पे सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, नो डाउट ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है इन दोनों से, लेकिन ये बेस्ट एवर है कि हम ये इस सर्विस को लें। अब वो सप्लायर जो है वो आपको तीनों के लिए प्राइजेस बताएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर DDP आप ले रहे हैं तो क्या प्राइस देगा। आपने क्या करना है, जब आपने सैंपल मंगवाने हैं ना, उसमें आपने ना कंसोलिडेशन कंपनी हायर करनी है चाइना के अंदर ही, ताकि तीन सैंपल अगर आप मंगवा रहे हैं तो एक ही जगह कलेक्ट करें तीनों सैंपल, और फिर आप नेक्स्ट अगर क्लाइंट को चेक करवाने हैं या खुद अपने चेक करने हैं तो वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, लेकिन रेकमेंडेशन यही है कि पहले आप कंसोलिडेशन कंपनी हायर करें। अगर आप तीन सैंपल मंगवा रहे हैं, एक सैंपल अगर आप फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट UK का, आप वहाँ पे भिजवा रहे हैं, एक क्लाइंट एक सैंपल अपने पास मंगवा रहे हैं, एक कोई आपका रिलेटिव है चाइना में ही, आप उसको शिप करवा देंगे, तो देखिए वो फिर आपको अच्छा खासा बजट, यानी कि पर सैंपल आपको जो है $50 चार्ज करने पड़ेंगे, तो वो आपका $150 तो वहीं पे निकल गया। तो इसलिए आपने प्रिजर्व्ड वे से जाना होता है। आप क्या करें, कंसोलिडेशन कंपनी को एक ही दफ़ा $50 दें, वहीं पे तीनों सैंपल मंगवाएं और नेक्स्ट ऑनवर्ड कहीं पे शिप करवाएं, तो ये बेस्ट एवर ऑप्शन होगा। देखिए $40 to $50 शिपिंग जो है ना चाइना से ऑनवर्ड एशिया या यूरोप में कहीं पे भी आपने करनी है ना। अब ये भी चीज़ डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन क्या है, वो तो अलग बात है कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च ही वो करनी होती है जिसका वेट एंड डायमेंशन कुछ नहीं हो, यानी कि बहुत कम हो, लाइट इन वेट प्रोडक्ट हो। और पेमेंट जो है वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू जो है ना, वेस्टर्न यूनियन और बैंक के थ्रू आप ना करें तो बेहतर है पेपाल के थ्रू करें, वो बेस्ट है वर, क्योंकि ज़्यादा जो चाइनीज़ है वो करते ही यूज़ पेपाल। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि इनवाइसिस ऑफ सैंपल जो है ना, वो आपने ट्रैकिंग नंबर होता है, आपने देखा होगा अगर हम पाकिस्तान में भी कोई प्रोडक्ट शिप करवाते हैं ना, उस पर ट्रैकिंग नंबर होता है, हमने उसको ट्रैक कर लेना। फॉर एग्जांपल आपने उस ट्रैकिंग नंबर को बाद में ट्रैक करना होता है, जब आपके पास सैंपल आते हैं ना तो फिर उस सैंपल के ऊपर जो नंबर होता है ट्रैकिंग नंबर, उनके साथ मैच करते हैं, अगर वो ओके होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट वही आई है, अदर देन डैड दिखाते कुछ और है और बेच देखते हैं। सो डैट्स वाई इन चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेक श्योर किया कि 30 और 17 की रेशियो पे आपने पेमेंट वगैरह करनी होती है। कंसोलिडेशन कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया, चाइना में आप हायर करें कंसोलिडेशन कंपनी, ये भी आपको कहाँ से मिलती है, या तो गूगल से मिल जाती है या फिर आपको अमेज़ॉन का जो चाइना में Alibaba.com की वेबसाइट है ना, वहीं पे अगर आप राइड करते हैं ना कंसोलिडेशन कंपनीज तो नीचे बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और कंसोलिडेशन कंपनी से फिर आप बात कर सकते हैं कि क्या वो चार्जेस ले रहे हैं और किस तरह से आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद पेमेंट डेफिनेटली पेपाल के थ्रू करें, और इनवाइसिस जो है ना वो लेना नहीं भूलना, बिकॉज नंबर आप ट्रैक करेंगे और उस पर फिर आपको कंफर्मेशन हो जाएगी, जो सैंपल मंगवाया था वही आपको रिसीव हुआ है। जो सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेक श्योर किया था कि सप्लायर को चूज़ करते हुए हमने ये क्राइटेरिया मीट करना होता है, और जबकि फ्रेट फॉरवर्डर को जब आपने चूज़ करना है ना, फ्रेट फॉरवर्डर को, तो तब भी आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करना है। ठीक है, अच्छा, जब फ्रेट फॉरवर्डर को आप चूज़ करेंगे तो इन इन तमाम चीज़ों को आपने मेक श्योर कर लेना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे हम कहते हैं ना 3 जैम्स होने चाहिए, ऑन साइट चेक्स और 50+ ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें ओके होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑनवर्ड जब आपने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना है तब भी ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। अच्छा, इसमें ना कौन कौन सी क्वेश्चन आपने सप्लायर सोर्सिंग के दौरान करने हैं, आप एक तो पूछें कि कौन सी किस टाइप की वो पैकेजिंग यूज़ करेंगे, एक्सपेंसिव प्रीमियम पैकेजिंग होगी या नॉर्मल वन होगी। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप उनसे
रैपिंग के बारे में पूछेंगे, या फिर आप ये देखिए, टारगेटेड कस्टमर अगर फीमेल्स है ना, तो उनके लिए, या बेबी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए ना, प्रीमियम पैकेजेस यूज़ होती हैं, क्योंकि सेंसिटिव टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं ना, तो प्रीमियम पैकेजिंग हम यूज़ करते हैं। सो डैट्स वे ये चीज़ ऑलरेडी मेक श्योर कर लेनी है। अगर आप नहीं कन्फर्मेशन करेंगे तो वो बाद में आपको चार्जेस एक्स्ट्रा डाल देते हैं, और यूजली 2.5 to onward 3% चार्जेस जो है ना फ्रेट फॉरवर्डर को। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर की जो पेमेंट होती है ना, वो अप फ्रंट होती है, ये याद रखिएगा। अलीबाबा के साथ तो हम 30-70 के रेशियो कर लेते हैं ना, लेकिन फ्रेट फॉरवर्डर के साथ अप फ्रंट पेमेंट होती है, ऑन द फ्रंट हमने करनी होती है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि आप इसमें कंपेटिटर में आपने क्या करना है कि कंपेटिटर चूज़ कर लेने होते हैं, और कंपेटिटर के अकॉर्डिंग डिटो प्रोडक्ट आपने वहाँ से सप्लायर से सोर्स करवानी है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच इज़ डैट स्टिक विद द कंपेटिटर एंड डोंट चेंज। अच्छा, कुछ ना आपको क्लाइंट रिक्वायरमेंट करेंगे कि हमारी ना डिज़ाइन चेंज करवाएं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि देखिए, एक्सपर्ट तो आप हैं, आप उन्होंने हायर किया, तो इट्स मीन कि आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि देखें सर, अगर तो कंपेटिटर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमें अमेज़ोन पे सेल आनी है, अदर देन डैट अगर हम अपने मुताबिक डिज़ाइन लेके चलते हैं ना, तो वहाँ पे हम लॉस में जा सकते हैं। तो डेफिनेटली वो आपकी बात को कंसिडर करेंगे। आपने क्या करना है, अलीबाबा से जो है वो स्टार्ट करना है, और अलीबाबा पे कॉन्टैक्ट अस या सप्लायर, कॉन्टैक्ट अस सप्लायर का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर वही चैट पे वैसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कुछ सप्लायर आपको व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करेंगे। वो ये है कि जब आप इस पर अकाउंट बनाते हैं ना, तो आप अपना नंबर देते हैं, तो उन नंबर से आपको ट्रैक कर लेते हैं व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पे भी कुछ सप्लायर आपको अप्रोच करते हैं। एनी हाउ, उसमें जब आप वो बात करने पे, कम्युनिकेशन पे आ जाएं, फिर आप नेगोशिएशन पे आ जाएं, ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं, देखिए आप ये प्राइस हमें दे रहे हैं, यही हमें सप्लायर, हमारी दूसरे सप्लायर से बात हुई, वो भी हमें यही प्राइस दे रहे हैं, बल्कि इससे बहुत कम दे रहे हैं, तो हमें आपसे लेने का क्या फ़ायदा, क्वालिटी तो दोनों की सेम है। तो इस तरह मतलब कि नेगोशिएशन जो है वो करते हुए आप उनको चीप प्राइस पे लेके आ सकते हैं। और इसमें ये है कि नेगेटिव रिव्यूज़ एंड स्टार्ट द बार्गेनिंग्स, और आस्क फॉर सैम्पल एंड डिफरेंट आइटम्स पिक्चर। अच्छा, इसमें जो सैम्पल उसको करेंगे ना, आप मेक श्योर करेंगे जिससे आपने मंगवाना है। कुछ वैसे सप्लायर ऐसे होते हैं जो फ्री में सैम्पलिंग कर देते हैं, लेकिन कुछ जो है वो $50 चार्ज करते हैं। सो आस्क फॉर मास्टर कर्टन डायमेंशन साइज एंड टोटल वेट, हाउ मच यूनिट्स इन वन कर्टन, मास्टर कर्टन। आप उनसे कंफर्म कर लें कि एक मास्टर कर्टन अगर आप कंफर्म कर रहे हैं, तो उसमें कितने मतलब पीस आएंगे, कितने यूनिट्स आ सकते हैं। सप्लायर आफ्टर फाइनलाइजिंग द सप्लायर और प्राइजेज, आस्क हिम हाउ टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट इन जस्ट 15 to 20 days। अच्छा, ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप डे सेलेक्ट नहीं ना करेंगे, उनको ये गो अहेड नहीं देंगे हमें फलां डेट पे प्रोडक्ट चाहिए, तो इट्स मीन कि वो आपका जो ऑर्डर है वो क्यू में डाल देते हैं, और पहले उनका करते हैं जो जिन्होंने जल्दी उनको कहा होता है। सो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है कि 15 से 20, वैसे तो एवरेज के हिसाब से 22 days लेते हैं वो, या इससे भी एक्सटेंड हो जाता है, मंथ भी ले लेते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ उनको कहनी है 15 से 20 days के अंदर अंदर जो है ना हमें शिप करवाएं। सो जब तक आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होनी है, 1 month तकरीबन लग जाता है, या 22 days तक लग जाते हैं, तब तक आप लिस्टिंग बनाएं, ठीक है, और डमी लिस्टिंग क्रिएट करके देखें, अमेजोन इस पर कोई इशू तो नहीं उठा रहा। लिस्टिंग का लेक्चर है हमारा नेक्स्ट, इंशाल्लाह ये कमिंग लेक्चर हमारा होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा लिस्टिंग किस तरह से बनाते हैं। गेट प्रोडक्ट इमेजेस फ्रॉम 3 सप्लायर, और इसमें 3 सप्लायर से तकरीबन आप इमेजेस वगैरह या ये सैम्पल वगैरह सैम्पलिंग करवाएं, और सप्लायर के आप ये चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा, जो अमेजोन पे आपने इमेजेस वगैरह लगवाने हैं ना, वो सप्लायर जो प्रोवाइड करेगा आपने वो नहीं लगाने, आपने स्पेशल फोटोग्राफर को हायर करके आपने फोटोग्राफी करवा के आपने वो प्रोडक्ट्स के इमेजेस वगैरह लगाने हैं। और एक और चीज़ मेक श्योर करूँ, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करने वाली नहीं होती। मेरे एक स्टूडेंट है, रिसेंट उनका एक्सपीरियंस हुआ है, उनकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे थी, और वो कह रहे थे मैम सेल नहीं आ रही है, फर्स्ट पेज पे भी इवन आगे हुई है प्रोडक्ट। उसके बिहाइंड रीज़न यही थी कि फोटोग्राफी बहुत बुरी हुई पड़ी थी, जिसकी वजह से बिल्कुल सेल नहीं आ रही थी। आप खुद इमेजिन करें ना कि आपकी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, दराज पे आप लगा लें, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारी नज़र तो उसी पे जाएगी ना जो अट्रैक्टिव वन है, अदर देन डैट जो
अब एम सी फजूल सी तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है, तो उस पिक्चर को तो हम क्या, बेशक उनकी क्वालिटी बाकियों से अच्छी हो, लेकिन पिक्चर इतनी मैटर करती है इस फील्ड में। अच्छा, इसमें अपने प्रोडक्ट पे ट्रैफिक लाने के लिए आप वेबसाइट वगैरह भी बना सकते हैं और स्टार्ट हंटिंग अप प्री ऑर्डर। जब आपने एक ऑर्डर कर देना, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए आपने प्रिपरेशन करनी है। सो एनी हाउ, सोर्सिंग के रिगार्डिंग हमने ये चीज़ें कन्फर्मेशन की है। सोर्सिंग की टिप्स थोड़ी सी देख लेते हैं। पैटर्न के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको मेक श्योर किया था। सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने से पहले आप क्या करें कि ये जो इंपॉर्टेंट वन स्लाइड्स होती है ना, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, और ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा। 5 to 6 कंपेटिटर आपने चूज़ करने होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आपने कंपेटिटर इसीलिए चूज़ करने हैं, कंपेटिटर के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चर करवानी होती है। ठीक है, अब इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह रहे हैं ना कि कम रेटिंग, जब हम जंगल स्काउट या हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करते हैं, तो उनमें जिनके रिव्यूज़ कम होते हैं और रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो वो हमारे कंपेटिटर होते हैं ना। अब उनको हम क्यों चूज़ कर रहे हैं, उनके बिहाइंड ये रीज़न है कि उनके रिव्यूज़ कम हैं लेकिन वो रैंक किए हुए हैं, तो फिर हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होता है कि हमारे भी स्टार्टिंग पर रिव्यूज़ कम होने हैं, तो इट्स मीन फिर हमें भी इतनी सेल आ सकती है अगर हम इन कंपेटिटर को डिट्टो कॉपी करेंगे। सो डैट्स वे हमने उनकी कंपेटिटर फाइल बनानी होती है और सप्लायर को पहुंचानी है कि सप्लायर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ हैं हमारे सप्लायर के, हमारे कंपेटिटर के, तो इनके अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कर दो। ठीक है, तो इसीलिए हमने उनसे फिर बात करनी होती है। उससे पहले फिर हमने ब्रांड का नेम, चूँकि अपने ब्रांड के तौर पर हमने जाना होता है, ब्रांड का नेम अपना सेलेक्ट करें। वो क्लाइंट की अपने ऊपर है कि वो अपनी मर्जी का चूज़ करता है या आपको बताता है कि आप कोई सेलेक्ट कर लें। ब्रांड लोगो लगवाएं, जो प्रोडक्ट पे लोगो वगैरह लगवाने हैं। इसके अलावा जो है ना, फिर आपने डेफिनेटली रिकमेंड, ये है DH गेट को भी लोग जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें स्कैमिंग के चांसेस हो सकते हैं, जबकि अलीबाबा पर स्कैमिंग के सच कोई चांसेस नहीं है। सप्लायर को चूज़ कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम चीज़ें मेक श्योर कर चुके हैं। सो नेगोशिएशन के लिए टिप्स देख लेते हैं। वाइल कॉन्टैक्टिंग सप्लायर, डोंट शो हिम यू आर द इंडिविजुअल। हमेशा याद रखिएगा, उनको आपने कंपनी के बिहाफ पे बात करनी है कि मैं कंपनी का ऑनर बात कर रहा हूँ। कंपनी कोई भी बता दें उन्होंने कौन सी आके आपकी कंपनी विजिट करनी है, XYZ। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि उनसे जो है ना, आप ये जो चीज़ें मैंने MOQ बताई हैं, पीछे क्यूरीज बताई हैं आपको कि उनसे करने वाली हैं, पैकेजिंग पूछें, MOQ पूछें। ठीक है, कितने MOQ देंगे, MOQ का मतलब है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, वो 100 पीस देंगे आपको, 500 देंगे, 300 देंगे, कितने दे सकते हैं वो आपको स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग पे पहले वैसे ये होता था, $200 भी दे देते, तो $200 की इन्वेंट्री भी वो सोर्स करवा देते थे, लेकिन अभी सप्लायर जो है ना, ये Q4 है, चूँकि Q4 चल रहा है साल का, वो लास्ट 4 मंथ्स चल रहे हैं जिसपे उनको सेल बहुत हाई होती है, और ये उनके अच्छे खासे सेल जनरेट करने वाले महीने होते हैं Q4 के, तो इनमें भी जो है ना, वो नॉर्मल सेलर को तो बिल्कुल अलाउ भी नहीं करते। एनी हाउ, इसमें यह है कि वो फिर MOQ काम नहीं देते, वो कहते हैं कि अगर लेने हैं तो ज़्यादा लें, $200 पे बिल्कुल भी नहीं वो मानते। बट वो बात करने पे सिनेरियो बनता है कि क्या सिनेरियो बन सकता है इन दैट केस के जब हम उनसे बात करें, बार्गेनिंग करें। ठीक है, अब सैंपल रिसीव करने के बाद जो है ना, प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल, अगर बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है तो उनको बिल्कुल भी तारीफें करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी जो है ना, वो बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है, और इस पे देखिए, थोड़ी सी भी चीज़ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर निगोशिएशन का यही है सबसे मेन टिप, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको लग रहा है ना, थोड़ा सा भी मसला है सैम्पलिंग में, सैंपल मंगवाए हैं उसमें थोड़ा सा भी इशू है, आप फ़ौरन सप्लायर से बात करें और उसकी बेस पे फिर आप उससे प्राइस कम करवाएं। तो ये चीज़ें आपने कंसिडर करके अमेजोन पर जाना है। बाकी यानी हम ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, और ये कंसोलिडेशन कंपनी को हायर करने से भी आपका जो है ना, आप काफ़ी जो है वो सेविंग कर सकते हैं, जिसका इन रिटर्न आपका प्रॉफिट रिटेन रह सकता है। तो रेकमेंड यही है कि आप ना कि सैंपल एक आपने UK में शिप करवा दिया क्लाइंट के पास, एक आपने अपने पास करवा लिया, और एक इस तरह से बिल्कुल भी उसको डिस्पर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सैम्पलिंग कंसोलिडेशन कंपनी के पास ही रखवाएं, ताकि सैम्पल एक ही जगह होंगे और वहाँ से आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। सो हमने क्या करना होता है कि हमने ना इंस्पेक्शन कंपनी हायर करनी होती है, इसका भी मैं बताती चलूँ।
जब हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जानी है ना हमारी, तो सप्लायर ने हमें कह देना आपकी प्रोडक्ट ओके हैं। अब आपने उनसे लेने से पहले, इंस्पेक्शन कंपनी है ना चाइना के अंदर ही, ये इंस्पेक्शन कंपनीज भी आपको अलीबाबा के अकाउंट पे राइड करेंगे ना, इंस्पेक्शन कंपनीज वहाँ से आपको मिल जाएंगी। इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने जाके ना, जहाँ पे हमारा सप्लायर होता है, उनको इनको ना लोकेशन हम बता देंगे, फलां जगह सप्लायर है, ये वहाँ पहुँच जाएंगे और हमारी इन्वेंट्री को चेक करेंगे, कोई पीस डैमेज तो नहीं, किसी किस्म का इशू तो नहीं है। अगर किसी किस्म का इशू हो तो देन ये हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आपके इतने पीस जो है वो डैमेज है। देन इन दैट केस पर हमने वहीं पे सप्लायर से बात कर लेनी होती है कि इतने पीस हमारे डैमेज हैं या आपने जो बताया वो, मतलब यानी इन एक्चुअल हमें क्वालिटी बताते हैं प्रोडक्ट की। तो वहीं पर हमने जो है ना ये इशू रिजॉल्व करके फिर प्रोडक्ट अमेजोन पर लाइव करनी होती है। तो इंस्पेक्शन कंपनी का ये फ़ायदा है। ऑलवेज पेमेंट टिप्स भी देख लेते हैं। ऑलवेज पे थ्रू ट्रेड एश्योरेंस, याद रखिएगा जब भी आपने सप्लायर चूज करना है ना, ट्रेड एश्योरेंस के बगैर चूज नहीं करना। माइक म्यूट कर लें स्टूडेंट। इसमें ना आपने नॉर्मली सप्लायर जो है ना, 30% आपने स्टार्टिंग पे पेमेंट करनी है और 70% आपने बाद में करनी है। अब इसमें भी जो 30% आपने पेमेंट करनी है ना, उसमें भी आप स्टार्ट में ये करें, ट्राई करें, ट्राई करें कि 100 यूनिट्स आपको शिप वो करवा दें और बेशक बाय एयर ही करवाएं। आप फोकस करें उनको कि बाय एयर करें, क्योंकि क्लाइंट को आप एग्री करें बाय एयर, चूँकि ये शिपमेंट जो है ना वो एक्सपेंसिव ज़रा रहती है, लेकिन आप ट्राई करें कि बाय एयर, क्योंकि स्टार्टिंग पे जब आपकी प्रोडक्ट लाइव जाती है ना, जब आपकी प्रोडक्ट लाइव जाती है, तो तब अमेज़ॉन ना आपको उसको कहते हैं हनीमून पीरियड कहते हैं। अमेज़ॉन खुद भी आपको ना प्रमोट कर रहा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट लाइव कर सकते, या फिर आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल 1,000 सेलर सेल आउट करने वाला है, तो आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में जा सकती है, फर्स्ट पेज पे आ सकती है। तो ट्राई करें कि 100 यूनिट आपके जो है ना, स्टार्टिंग 15 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं, उन डेज में जो है ना आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे आ जानी चाहिए। तो माइट बी डिपेंड करता है सिनेरियो पे, अगर क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर रहा बायर तो इट्स ओके फाइन, बट आप उनको सजेशन दे सकते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत सोर्सिंग के रिगार्डिंग। और अभी हमने ना सोर्सिंग के बारे में जब हमने पढ़ा ना, कि सोर्सिंग हमने कितने वक्त अलीबाबा की वेबसाइट पे हम खुद जो है कोई भी कीवर्ड राइड करते हैं उसके रिटर्न, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर आपको फ्रेट फॉरवर्डर फाइंड आउट करना है, आप जस्ट फ्रेट फॉरवर्डर यूके या यूएसए आप राइड करें, नीचे आपके पास फ्रेट फॉरवर्डर आ जाते हैं। तो उनको भी आपने उसी तरह सेलेक्ट करना जिस तरह मैंने आपको सप्लायर का मेथड बताया था ना, सेम लाइक डैट, उसी तरह आपने यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर को यहाँ से हायर करना है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ मेक श्योर कर दूं, अच्छा इसमें ना आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, अमेजोन आपने गूगल पे राइट करना है alibaba.com, ठीक है, और alibaba.com की वेबसाइट पे आपने चले जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा इसमें ना आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन इन कर लेना है, अकाउंट को साइन इन कर लीजिएगा। मैंने अभी फ़िलहाल तो नहीं किया, लेकिन कर लेते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको साइन इन किया हुआ है। आपको ये साइन इन करना पड़ेगा, और साइन इन करना कैसे करना है ये मैंने वीडियो भी बना के अपलोड की हुई है पोर्टल पे, उसको भी देखिएगा, या कोई भी वीडियो मिल जाती है आप इसको साइन इन कर सकते हैं। उसमें ऐसा जस्ट ये है कि अपना नंबर प्रोवाइड करना है और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं वो, तो ये अकाउंट आपका लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन या साइन इन आप अपने जो है ना उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आएगा आपको गूगल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, तो इट्स अप टू यू। बाकी यानी हो इसमें मैं बता रही थी कि इस तरह जब आपने कोई प्रोडक्ट राइड करनी है, फॉर एग्जाम्पल की होल्डर फॉर वॉल देख लेते हैं, तो उसमें आपने खुद सप्लायर को अप्रोच करना होता है। लेकिन हम टाइम सेव करने की वजह से एक और मेथड होता है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है माय अकाउंट में, आप जाएंगे ना, पहले
वैसे अगर किसी को अप्रोच करना है या बात करनी है उनसे, तो ये कॉन्टेक्ट सप्लायर पे जाके करते हैं। लेकिन एक और मेथड होता है कि आप सजेशन ये भी है कि आप RFQ सेंड करें, ठीक है। RFQ का क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, इसमें ना मैं RFQ का बताने लगी थी, तो जस्ट आप वेट कर लें। जहाँ पे अकाउंट साइन इन का ऑप्शन आ रहा है ना, वहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा RFQ का। तो RFQ एक फॉर्म है जिसको हम सेंड कर देते हैं ना, तो जब इस फॉर्म को फिल करके सेंड कर दिया जाता है, उसके बाद सप्लायर हमें खुद अप्रोच करते हैं। और क्योंकि उस फॉर्म में हमने डिटेल ही अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड दी होती है, तो वो सप्लायर जो हमारी प्रोडक्ट वो वाली सेल आउट कर रहे होते हैं ना, वो फिर हमें उस फॉर्म की वजह से खुद अप्रोच करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट बाय करनी है। फिर हम उनसे बात करते हैं, जो भी निगोशिएशन है वो सारी डिटेल्स वगैरह रिक्वायर करते हैं। जस्ट ये साइन इन हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि RFQ फॉर्म हम किस तरह सेंड करेंगे। अच्छा, ये वो मैसेजेस हैं जो कि हमने सप्लायर से बात की हुई है, और मेजॉरिटी सप्लायर ने हमें RFQ की वजह से खुद अप्रोच किया हुआ है। तो बाकी यानी हाँ, वो देख लेते हैं अगर तो ये ओपन हो जाता है। आई डोंट नो वाई दिस ऑप्शन हिडन, बट लेट मी चेक अगेन। अच्छा, इसमें ना अगेन हम देखते हैं कि इसको क्या रीज़न हो सकती है। अच्छा, ये अकाउंट ना आपने बड़े ध्यान से बनाना है, इसमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए ना, तो अकाउंट जो है वो फिर, क्योंकि पेमेंट के मामला तो होते हैं ना, तो इस वजह से वो जो है ना, अकाउंट में अगर थोड़ी सी भी आप मिस्टेक करेंगे ना, तो अकाउंट नहीं बनता या अकाउंट क्यू में चला जाता है, कितने कितने दिन लग जाते हैं, तो ये आपने चीज़ मेक श्योर कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखिए अलीबाबा, यहाँ पे माई अलीबाबा पे आपने जाना है, और ये देखिए सबमिट RFQ, इस पर क्लिक करना है। और अब ये जो फॉर्म ओपन होगा ना, आपने इसको फिल करना है और सबमिट करवा देना है। इन दैट केस मेजोरिटी सप्लायर फिर आपको खुद अप्रोच करते हैं। एनी हाउ, फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म है जिसको आपने फिल करना है, इसमें आपकी जो प्रोडक्ट है ना जिसकी आप सोर्सिंग करने जा रहे हैं, या मैं नेक्स्ट आपको टास्क असाइन करूँगी इसी वीकेंड के लिए, तो वो आपने यही परफॉर्म करके आना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कीवर्ड यहाँ पे राइट किया, और कीवर्ड की चेन है, ठीक है। अब कैटेगरी भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से आपने देखना है कि कैटेगरी जो है ना अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो ये देखिए जी, गिफ्ट एंड क्राफ्ट में इन कैटेगरी थी, और जिसमें की चेन, अब की चेन हमारी कौन सी थी, मेटल मेटल यानी कि मेटल मटेरियल की थी। इसी तरह आपने जो है ना अपनी कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपकी प्रोडक्ट लाइक कर रही है, और जिसमें आपकी प्रोडक्ट लाइक कर रही है, और उसमें फिर मज़ीद आपने देख लेना है कि कौन सा कीवर्ड है, एंड देन किस मटेरियल के लाइक कौन सा मटेरियल है, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्ट,
डेफिनेटली हम कस्टमाइज प्रोडक्ट के साथ चलते हैं और कस्टमाइज लोगों के साथ हमने चलना होता है। तो नेक्स्ट, आपने सोर्सिंग पर्पज एज अ रिटेल पार्टनर, हमने होलसेल नहीं करना, रिटेल पार्टनर के तौर पर मूव ऑन करना है। क्वांटिटी आपको जितनी चाहिए वो आपने रिक्वायर कर लेनी है। DDP जो है ना, DDP जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज बेस्ट वन वही वैसे यही है। मैंने तीन मेथड्स आपको बताए ना, आपने बाकियों के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने जस्ट ये तीन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, FOB, EXW या DDP। तो डेफिनेटली DDP। मैक्स बजट आप लगा लें, इट्स अप टू यू, 10,000 से 50,000, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना क्या करना है, जो आपकी कंपेटिटर होगा ना, उसके लिस्टिंग पेज पे आपने जाना है, और लिस्टिंग पेज पे जाने के बाद आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ये प्रोडक्ट है, अभी मैं इसको नहीं चेंज कर रही, मैं वैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाह रही हूँ, सो डैट्स वाई जस्ट ये एक प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारा कंपेटिटर है। अच्छा, इसमें जब भी हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, टाइटल के नीचे जो है बुलेट पॉइंट्स होते हैं, साइड बाई डिस्क्रिप्शन, मतलब कंप्लीट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बताई होती है, राइट साइड पे उन्होंने इमेज